नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ICAR का एक पुराना सेट सॉल्व कराएंगे। यह पेपर जो है सन 2012 का है और हमने यहाँ पे लिए हैं एग्रीकल्चर के सभी प्रश्न, जो कि इस पेपर में 60 प्रश्न हैं। तो जो बच्चे ICAR एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी कैटेट, BHU या किसी अन्य एग्ज़ाम की, उनके लिए भी यह जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस जो है पेपर को अंत तक हमारे साथ सॉल्व करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी पुराने सेट हैं हम आपको ईयर वाइज ईयर सॉल्व कराते चल रहे हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के इन पुराने सेट को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने BHU के और कुछ यूपी कैटेट के मॉडल पेपर कराए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सेट हैं इनको सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? तो यहाँ पे GM बोली जा रही है। GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, यहाँ पे कपास है। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। दूसरा है, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो भी हैं सब ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन पहले ही, मतलब इससे पहले जो पेपर हैं उनमें भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम है सूक्ष्मजीवी, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंद? तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एक वर्ड भी होता है कि सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे हरी खाद के रूप में बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जो कि सनई का साइंटिफिक नेम होता है। जो सनई होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है और उसे हम लोग हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी जो यहाँ पे एजोला दे रखा है, ठीक है, और ये एजेटोबैक्टर दे रखा है, ये सभी जो हैं जैव उर्वरक हैं, बाकी जौ फसल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सरसों का आक्रमण करने वाले माहों का नियंत्रण किसके छिड़काव से करते हैं? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा डाइमेथेट होगा, ठीक है, जो कि 35 cc होता है और 1 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो डाइमेथेट 35 cc का यूज होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो पुराने सेट हैं उन्हीं में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कैरोटीन का समृद्ध होता है? कैरोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, गाजर, बैंगन, आलू और भिंडी। तो यहाँ कैरोटीन जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो गाजर में होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, एट्राजीन एक है, तो एट्राजीन होता है वो शाकनाशी होता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप इनको क्या कहना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं आप उनको नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर डालेंगे उनको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किन फसलों के उत्पादन व उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ और चावल, करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मेथेन गैस का मुख्य स्रोत है? जो मेथेन गैस होती है वो कृषि क्रियाएँ जो की जाती हैं तो धान के खेत से उत्सर्जित होते हैं, यहीं पर निकलती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको बैरोमीटर द्वारा मापते हैं, करेक्ट आंसर इसका पहला हो जाएगा। अगला है, इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी किस्म है? जो इलाहाबादी सफ़ेदा होती है वो अमरूद की किस्म होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबी में सबसे अधिक लगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो रिगार्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर चना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, DAP में नाइट्रोजन होती है, तो जो DAP होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 18%, ठीक है। और DAP में जो नाइट्रोजन पाई जाती है 18 होती है, बाकी फास्फोरस पाया जाता है उसकी मात्रा 46% होती है। तो फास्फोरस जो होगी P वो 46% तक पाई जाती है, बाकी करेक्ट आंसर यहाँ पे 18% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अम्लीय मृदाएं किसे मिलाकर सुधारी जा सकती हैं? तो कभी अम्लीय और कभी क्षारीय मृदाओं का सुधार पूछा जाता है, तो यहाँ पे अम्लीय पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, गन्ने का प्रवर्धन किया जाता है, तो गन्ने का जब भी प्रवर्धन किया जाता है तो तने के टुकड़ों से किया जाता है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के निर्यात योग्य किस्म कौन सी है? बाकी तो इसमें सभी आम के निर्यात किस्में हैं, सॉरी आम की सभी किस्में हैं, लेकिन जो निर्यात ज़्यादातर की जाती है वो अल्फांसो होती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, पौधों की दिन की लंबाई के प्रति अनुक्रिया कहलाती है, तो ये जो होगा फोटोपीरियडिज्म होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, फोटोपीरियडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किससे अभिव्यक्त होती है? तो हमने आपको ये जो जनरल एग्रीकल्चर के आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि हम 3000 क्वेश्चनों की सीरीज लेके चल रहे हैं, उस सेट में हमने आपको ये जितनी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, या फिर अदर जो भी हैं उनको हमने आपको कराया है, तो वहाँ पे देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी प्रतिशत। फिर उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो म्यूटेशन दिया गया था, ठीक है, वो ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर बौनेपन के स्रोत के रूप में नारिन 10 का उपयोग इसमें से गहन रूप में होता है, तो नारिन 10 जो होती है वो गेहूं की बौनेपन की जीन होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, टूयन दर्शाता है, तो जो टूयन दर्शाता है वो द्विगुणित को दर्शाता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वोच्च है? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दूध की उपलब्धता है वो पंजाब में है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस का मूल स्थान कौन सा है? जो मुर्रा भैंस होती है उसका मुख्य रूप से जो जन्म स्थान है वो पंजाब माना जाता है, ठीक है। अगला, गौ पशु की जर्सी नस्ल मूलतः किस देश की है? जो जर्सी है वो होती है जो इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह होता है, जो कि फ्रांस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ब्रिटेन सही होगा, क्योंकि ब्रिटेन भी इसका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत दूध में वसा का न्यूनतम अंश होना चाहिए, तो जो वसा होती है ये मानकीकृत दूध में पाई जाती है 3.5% तक। अगला क्वेश्चन है, दूध का पाश्चरीकरण दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है? तो दूध को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, तो ये पाश्चरीकरण की क्रिया होगी। या भैंस का औसत गर्भकाल होता है, जो भैंस होती है उसका औसत गर्भकाल जो होता है 310 दिन माना जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है? जो नाइट्रोजन है सबसे सस्ता स्रोत यहाँ पे यूरिया हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवन में शामिल है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान सुनेंगे, तो यहाँ पे जो एक तो होता है जैसे नीलहरित शैवाल है, ठीक है, ये क्या होता है एजोला के साथ में अपना जो वातावरण की नत्रजन है उसको एकत्रित करता है खेत में। बाकी जो राइजोबियम होते हैं ये दलहनी फसलों के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं के साथ साथ में वायुमंडल नत्रजन को स्थित करते हैं। और ये जो राइजोबियम होते हैं ये क्या करते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में गांठ बनाकर जो होते हैं उनमें रहते हैं। तो यहाँ पे सहजीवी की अगर बात करें सिम्बायोटिक की, ठीक है, तो सिम्बायोटिक जो होगा वो राइजोबियम होगा, ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। आपको याद रखना है ये जो सिम्बायोटिक होते हैं वो राइजोबियम ही होते हैं, सहजीवी जिनको बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस परस्पर पौधे द्वारा मृदा जल शोषित किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के 15 बार तनाव तक, ठीक है, -15 तक होगा यहाँ पे। फिर निम्न में से किसकी नमी बनाए रखने की क्षमता न्यूनतम होती है?
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लावण सिंचाई हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रणाली की उच्चतर जल बचत क्षमता होती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टपकन सिंचाई, मतलब जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है, जो जड़ों के पास में सिंचाई केवल करते हैं, इसके द्वारा सबसे कम जल की हान होती है, और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बचत इसी के द्वारा होती है, ठीक है, लगभग वही 75% तक जल की बचत इसी से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा C3 पौधा नहीं है? अब यहाँ पे आपको देना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो ज्वार नहीं है, बाकी सभी जो है C3 प्लांट हैं। फिर वह खरपतवार जिसने भारत में सबसे पहले शाकनाशी प्रतिरोधित विकसित की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है, फिलिस माइनर कनकी, ठीक है। फिर चावल फसल प्रणाली में खरपतवार नियंत्रण की निम्न में से कौन सी विधि सबसे सस्ती और सरल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है? तो यहाँ जो परजीवी होते हैं वो ओरोबैंकी हो जाएगा, प्रजातियाँ जो होंगी, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्यों में तवेदार हल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो जो ज़्यादातर हैरो होते हैं उनका यूज हम मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए करते हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में फलों का सर्वोच्च उत्पादक देश है वो चीन है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, चीन, ठीक है। अगला है, मैदानों में फलों की रोपाई की सर्वाधिक सरल और सुविधाजनक प्रणाली है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गाकार, ए ऑप्शन। अगला है, फलदार पौधों की कटाई छटाई होती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, पौधों के ढांचे को सशक्त और संतुलित बनाने के लिए, जिससे कि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है, तो यहीं पे पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, एक वर्ग में अपना संपूर्ण, सॉरी, एक वर्ष यहाँ पे होगा, ठीक है, एक वर्ष ध्यान रखेंगे आप, वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने वाले पौधे कहलाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा वार्षिक, मतलब एनुअल क्रॉप्स होंगी। अगला है, गेंदा और गुलदाउदी में फूल कब खिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कब फूल खिलते हैं? तो जैसे गेंदा होता है तो इसमें मुख्यतः हर सीजन में खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो फल फूल इसके मिलते हैं वो शरद ऋतु में मिलते हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर अगला, जेली तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो जो जेली तैयार की जाती है मुख्यतः वो अमरूद से तैयार की जाती है, अमरूद से बहुत अच्छी जेली बन जाती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला है, वाणिज्यिक फसलोत्पादन के लिए किस श्रेणी के बीजों का उपयोग होता है? तो ज़्यादातर जो वाणिज्यिक फसलोत्पादन होता है उसमें हम लोग प्रमाणित सीड यूज करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा किसानों को दिया जाता है। फिर एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले अनेक जीन कहलाते हैं? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेटरोजाइगोटिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला या क्रीम के रंग का होता है? तो दूध में जो कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है उसी के कारण हल्का पीला रंग दूध होता है। अगला क्वेश्चन है, गौ पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग किसके किससे होता है? तो जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है वो वायरस के द्वारा होती है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर वह उर्वरक जो एक ही पादप पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है, मतलब एक ही उसमें तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे वो होता है, करेक्ट आंसर आपका एकल उर्वरक, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम किसका स्रोत होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, ठीक है, जो कि लगभग वही सल्फर की मात्रा पाई जाती है जिप्सम में, 18.66% पाई जाती है, और जिप्सम में कैल्शियम भी पाया जाता है जिसकी मात्रा वही 23.3 के आसपास पाई जाती है, तो आप यहाँ पे सल्फर याद रखेंगे, 18.6% तक पाया जाता है जिप्सम में। फिर निम्न में से कौन सा सकरी पत्ती वाला खरपतवार है?
तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, जैसे साइप्रस रोटंडस है जिसको मोथा कहते हैं, और साइनोडान डक्टिलान ये दूब घास है, ठीक है। तो यहाँ पे दूब घास ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ठीक है, वो भी पिस्मट गेहूँ, यही नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे करेक्ट। फिर हरित क्रांति के जनक हैं, जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एन ई वोलाग हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, क्यारी तैयार करने में मिट्टी पलटने वाली युक्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जड़ क्षेत्र के नीचे कठोर ढेले फोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब जो निराई गुड़ाई एक तरीके से की जाती है, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। या फिर जो जैसे क्यारी तैयार की जाती हैं तो उसमें जो मिट्टी पलटी जाती है बार बार, तो उसका मतलब यही होता है कि जो कठोर पड़ते हैं उनको तोड़ देना, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बात नहीं की कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चना भी उगा सकते हो, सरसों भी उगा सकते हो, ठीक है, इसके अलावा सनई भी उगाई जा सकती है, लेकिन मूंग नहीं उगाई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का औसत जीवन काल उचित भंडारण की स्थितियों में सर्वोच्च होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा जो संरक्षित कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, तो वो संसाधित खजूर है, खजूर को ज़्यादा दिन तक हम लोग संरक्षित किया जा सकता है। फिर टमाटर की सास को किससे परिरक्षित किया जाता है, जो टमाटर का सास बनाया जाता है उसको किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्याज का प्रवर्धन किससे होता है। तो जो प्याज होता है उसका प्रवर्धन जो होता है बीज द्वारा होता है, ठीक है, बाकी उसका बल्ब पार्ट खाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीज। देखिए आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी ये हम आपको पुराने सेट सॉल्व करा रहे हैं इनको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको लर्न कर लेना है। देखना आप सारे जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अगर किसी नए मतलब कोई भी जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें जब बैठेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आप वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे अपना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर अटेंड कर पाएंगे। तो आपको सभी सेट सॉल्व कर लेने हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। सेट को सॉल्व करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन उन मतलब टॉपिक्स के आपको अच्छे से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लर्न कर लेना है, जिससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लैडियोलस का प्रवर्धन निम्न में से किससे होता है। तो जो ग्लैडियोलस होता है उसकी जो प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि होती है वो घनकंदों द्वारा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्राइजेंथिमम किस कुल का है। तो जो क्राइजेंथिमम होता है वो कंपोजिटी होता है कुल उसका, लेकिन यहाँ पे एस्टरेसी, कंपोजिटी या फिर एस्टरेसी, तो यहाँ पे एस्टरेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एस्टरेसी नहीं मिलता ऑप्शन में तो कंपोजिटी करेक्ट इसका माना जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 60 प्रश्न जो कि 2012 सेट के थे ICAR के। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको अच्छा लगा होगा और इसके जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको ज़रूर लर्न कर लेना, और इसके साथ साथ में अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। बाकी क्या है, ये तो एक पुराने सेट हैं और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम पेपर्स हो चुके हैं, तो इनमें अच्छा लगने ना लगने की कोई बात नहीं, फ़िलहाल है इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको लर्न कर लेना है बस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।